नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रेवाड़ी जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर नानोल की तरफ से आ रहे दो ट्रोले की आपस में भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। देखते ही देखते दोनों डंपर आग में जलकर खाक हो गए। टक्कर के बाद धमाके के साथ आग इतनी भीषण लगी कि ट्रोले के अंदर सो रहा एक क्लीनर जिंदा जल गया। वहीं दूसरे व्यक्ति ने कूदकर जान बचानी चाहिए तो वह भी अपनी जान गंवा बैठा। ऐसे में बीती रात करीब 1:30 बजे दो लोगों की इस भीषण हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार को शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मरने वालों में एक महेंद्रगढ़ निवासी व दूसरा यूपी का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भीषण आग लगी हुई देखी जा सकती है, किस तरह से दोनों ट्रोले जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी आग के अंदर एक व्यक्ति जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त वह सो रहा था। बता दें कि रेवाड़ी जिले में सैकड़ों की संख्या में रात 9 बजे के बाद सड़कों पर बेलगाम ओवरलोड डंपर दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं। हाईवे तो दूर, रेवाड़ी शहर की सड़कों पर भी यह डंपर इतनी तेज दौड़ते हैं किसी को भी चपेट में ले सकते हैं। 3 दिन पहले भी रेवाड़ी शहर के अम्बेडकर चौक पर एक डंपर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि महिला गंभीर रूप से घायल है। ऐसे में सवाल यह है कि दावे तमाम किए जाते हैं लेकिन ओवरलोड डंपरों का आतंक रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? इसका जवाब भी जिम्मेदारों को देना होगा। सर, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार नाम है। अरविंद जी, ये जो दुर्घटना हुई है कैसे, क्या पूरा मामला? सभी रात 1:30 बजे के करीब मामला है। तो दो डंपर जो नारनौल साइड से आ रहे थे, रेवाड़ी की तरफ जा रहे थे जहाँ तक मुझे मालूम है, तो यहाँ एक धमाका हुआ। लोगों ने देखा कि भाई दो गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुई है यहाँ पे, तो लोगों ने बचाव कार्य भी किया, पुलिस को भी फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड में भी फ़ोन किया, एम्बुलेंस वगैरह को फ़ोन किया और अपनी तरफ से ही लोगों को बचाने का प्रयास किया। लेकिन एक डंपर में आग पकड़ ली और उसमें एक क्लीनर की फंसा होने के कारण जलकर मौत हो गई।